फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, दिस इज एच आर कुशवाहा इन फ्रंट ऑफ यू। वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन GDR। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। डू यू नो द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज ए डिजाइनिंग ऑफ सेंटेंस। हाउ कैन वी मेक अ सेंटेंस, हाउ कैन वी मेक अ वैल्यूएबल सेंटेंस एंड सेंसफुल सेंटेंस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर, बिकॉज द एवरी स्ट्रक्चर हैज अ डिफरेंट डिजाइंस एंड डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स वर्ब्स और सब्जेक्ट और द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर। ओके, दैट स्ट्रक्चर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज वेन वी लर्न समथिंग एक्सेप्ट टेंस मॉडल एंड पैसिव वॉइस दे आर कॉल्ड द स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल हैव टू, हैज टू, एम टू, विगन टू, कंटिन्यू टू, हैविंग टू, दीज ऑल आर द स्ट्रक्चर्स। विदाउट स्ट्रक्चर वी कॉन्ट complete our spoken English. That is why these structures are very important. Okay, let me tell you some structures today that chalo theek, hum dekhte hain abhi, I think 20, haan dekhiye ye structure humne already pad liye hain, aap pichle wale video mein dekh sakte hain, jaise ki aap yahan pe dekh rahe hain, yahan pe ye wala, ye jaise ki it, ye इट आपने पढ़ लिया है ना, लेट पर में डला हुआ आपने पढ़ लिया है, आप पिछले वीडियो में देखिए जाके, देयर आपने पढ़ लिया है ये, ठीक है, उसके बाद देयर का यूज़, हैव टू भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है, आज मैं इसके आगे ही बताऊंगा आपको, हैव टू आपने पढ़ लिया है, उसके बाद आपने बिगन टू भी पढ़ लिया है, ये भी आपने पढ़ लिया है, और उसी के साथ साथ आज हम यहाँ से पढ़ेंगे ये, ठीक है। सो हैव यू एनी डिफ़िकल्टी एंड डाउट इन दीज स्ट्रक्चर्स, प्लीज़ आस्क मी again and again, I'll tell you again and again, I have no problem at all, I am here already or always for your helping you, for your support, okay, good। देखिए जैसा कि अगला स्ट्रक्चर है stopped to, stopped to जैसा कि नाम से स्पष्ट है, stopped to बंद कर दिया, रोक दिया, मतलब आपने कोई काम करना बंद कर दिया, जैसे आपने पढ़ना बंद कर दिया, तो आप कहोगे सर ये कोई नई बात थोड़ी, हमने तो पढ़ना कब का बंद किया है। एक बच्चे से पूछा गया कि पढ़ाई क्या है, तो बच्चा कहता है सर पढ़ाई मतलब ज़िंदगी का वो महत्वपूर्ण समय बर्बाद करना है जिसके दौरान ये सीखा जाता है कि बाकी समय कैसे बर्बाद करना है। बड़ी अजीब बात है, थोड़ी हंसी तो आती है, लेकिन अगर उसके गहराई में जाओ तो सच भी है कि वास्तव में पढ़ाई वही है कि हमें आगे का समय कैसे बर्बाद करना है। थोड़ा बर्बाद कहना ठीक नहीं, आगे का समय कैसे व्यतीत करना है। अगर हम इस केमिस्ट्री को समझ गए तो बहुत अच्छे से समय व्यतीत कर सकते हैं, नहीं तो कहते हैं ना कि वक्त के साथ बदल जाओ, नहीं तो फिर वक्त आपको बदलेगा, और आप वक्त के साथ बदलोगे तो ठीक रहेगा, और वक्त आपको बदलेगा तो आपको पसंद नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए वक्त के साथ चलना, वक्त के साथ बदलना सीख लो। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वो वक्त के साथ बदल गए, गलती उनकी नहीं है जो बदल गए, गलती उनकी है जो कि पहले जैसे रह गए। पहले जैसे क्यों रहो, वक्त के साथ बदलो ना। तो चलो ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सेंटेंस दिया जा रहा है कि बूढ़े ने खाना खाना बंद कर दिया, बूढ़े ने खाना खाना बंद कर दिया। जब बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो गया, ओल्ड मैन हो गया, और वो सफरिंग फ्रॉम फीवर, तबीयत ख़राब है उसकी या कोई समस्या है, तो हम बोलेंगे ओल्ड मैन स्टॉप्ड टू ईट फूड। या तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ओल्ड मैन स्टॉप्ड ईटिंग फूड, ये भी कर सकते हैं, या ओल्ड मैन स्टॉप्ड टू ईट फूड, ये भी कर सकते हैं। अगला है पिताजी को देखकर हम टीवी देखना बंद कर देते हैं। जनरली ऐसा होता है कि अगर मान लो पिताजी के अगेंस्ट हम कोई काम कर रहे हैं जो पिताजी नहीं चाहते कि हम वैसा करें, तो वो आते हैं तो हम वो काम बंद कर देते हैं। जैसे कि हैविंग सीन आवर फादर बी स्टॉप वॉचिंग टीवी, हैविंग सीन फादर पिताजी को देखकर बी स्टॉप वॉचिंग टीवी, ठीक है। हम ऐसे बहुत से काम कर देते हैं, कई बार मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाना बंद कर देते हैं, चलो पिताजी आ गए बाद में चला लेंगे, ठीक है, डर के कारण हम ऐसा नहीं करते हैं। इन दिनों हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, दीज डेज बी स्टॉप्ड टू टॉक टू ईच अदर, दीज डेज बी स्टॉप्ड टू टॉक टू ईच अदर, हमने एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिया है। जैसे हमने बोला कि आजकल तुम्हारा दोस्त कहाँ है, आप कह रहे हैं सर इन दिनों तो मैंने उससे बातें करना बंद कर दिया है। अब कारण जो भी हो, ठीक है, समझ में आ गया, चलो ठीक है, इधर और देख लेते हैं। नेक्स्ट, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगरेट, ये जो किताब है स्मार्ट टॉक, इसमें से देता हूँ मैं आपको, ये किताब है यहाँ पर जो हमने बनाई हुई है, तो ही स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगरेट, उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया है।
अच्छा एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आज ये वीडियो जाएगा लगभग 42 नंबर का वीडियो, लगभग 42। तो जनरली क्या है, लोग कहते हैं कि अंग्रेजी सीखें 10 दिनों में, 15 दिन में, 25 दिन में। तो भाई देखो ये सब बातें हैं यार, कोई कहता है ना ये 42 नंबर का वीडियो लिखने में दिक्कत। तो जनरली लोग कहते हैं कि अंग्रेजी सीखें 15 दिन में, 20 दिन में, कोई कह रहा है 50 दिन में, कोई कह रहा है 3 महीने में। तो देखो भाई सीख जाते हैं, लेकिन ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, और हर आदमी की अलग अलग लर्निंग कैपेसिटी होती है। तो किसी एक के पीछे ना भागें कि वो 15 दिन में सीख गया या वो एक महीने में सीख गया, पर मैं तो एक महीने में नहीं सीखा, हो सकता है आपको 2 महीने लगें। तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा, हर आदमी की लर्निंग कैपेसिटी है ये बात, इसका मूल्यांकन आप खुद ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप कितने गहरे पानी में हैं ये आपको पता होता है, क्योंकि क्लास में इतने सारे बच्चों में आपकी क्या स्थिति है, आपके कितने मार्क्स आते हैं, यह आपको पता है, और वही निर्धारित करता है कि आप कितने गहरे पानी में आपकी क्या स्थिति है। ठीक है, इसलिए वैन बिलीव स्टॉप टू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलना कब बंद करोगे, वैन बिलीव स्टॉप टू टेल अ लाई। सम स्टूडेंट स्टॉप टू स्टडी इन समर वेकेशन, कुछ बच्चे गर्मी की छुट्टी में पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, वो सोचते हैं गर्मी की छुट्टियां मज़े करेंगे। ठीक है, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में कुछ नया सीखा जा सकता है, अंग्रेजी सीखी जा सकती है, स्पोकन इंग्लिश वाली। ठीक है, उसके साथ साथ गर्मी की छुट्टी में कंप्यूटर कोर्स किया जा सकता है, कुछ और स्विमिंग सीखी जा सकती है, डांसिंग क्लास ज्वाइन की जा सकती है, कुछ भी समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, आउट ऑफ योर सिलेबस, सिलेबस के बाहर का भी। ठीक है, दूसरा है सब्जेक्ट प्लस बी अबाउट टू, इसी को स्ट्रक्चर कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अबाउट टू प्लस बी वन, बाला वाले वाले कहें कि समथिंग इज़ लाइकली टू हैपन, कुछ होने वाला है। ठीक है, कुछ प्रारंभ होने वाला है, वहाँ पर हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कुछ बोलने वाला हूँ तो सेंटेंस दिया है आई एम अबाउट टू स्पीक समथिंग। ठीक है, जैसे कि चोर भागने वाला था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ठीक है, थीप वॉज अबाउट टू रन अवे देन पुलिस कॉट हिम, थीप वॉज अबाउट टू रन अवे देन पुलिस कॉट हिम। अगला है बारिश होने वाली है इट इज़ अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है इट इज़ अबाउट टू रेन। मेहमान आने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, गेस्ट आर अबाउट टू कम, भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने वाला था, इंडिया वॉज अबाउट टू अटैक ऑन पाकिस्तान। सी इज़ अबाउट टू मैरी विद इन टू डेज, वह 2 दिन में शादी करने वाली है। ही इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है। ठीक है, तो इसलिए नहीं कि वो शादी करने वाली इसलिए वो मरने वाला है। ठीक है, मरते नहीं हैं शादी के बाद। ठीक है, हाँ लेकिन ये है कि जो लड्डू है ना, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। ठीक है, तो तुम लड्डू खा के पछता लेना। ठीक है, चलो अगला है यूज़ टू, यूज़ टू पुरानी आदतों के लिए, जहाँ पर पुरानी आदतों का जिक्र होता है वहाँ पर यूज़ टू का प्रयोग करते हैं। अब पुरानी आदतें कैसी, जैसे कि मैं पुरानी गाड़ी चलाया करता था, मैं गांव में रहा करता था, एक प्रकार से आदत ही है ना। तो देखते हैं, जाया करता था, पढ़ाया करता था, जैसे बाग कहते हैं, तो पुरानी आदतों का जिक्र हुआ, यूज़ टू का प्रयोग होता है। जैसे पहले वह गाँव में रहा करता था, अर्लियर ही यूज़ टू लिव इन विलेज, पहले वह गाँव में रहा करता था। अच्छा, दिस इज़ द सेम स्कूल वेयर आई यूज़ टू रीड, ये वही स्कूल है जहाँ मैं पढ़ा करता था। जब आप इस स्कूल से निकल जाएंगे पढ़ के, फिर आप यही कहेंगे यह स्कूल है जहाँ मैं पढ़ा करता था। एक व्यक्ति एक कॉलेज में आता है MBA करने के लिए, और वहाँ पे जो दरबान रहता है, जो गेटमैन रहता है, उससे बोलता है भैया ये कैसा कॉलेज है। तो वो जो प्यून है वहाँ का, जो गेट पर खड़ा है, वो कहता है भैया बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से MBA किया है। तो एक प्रकार से ये क्या है, ये तो कॉमेडी हो गई कि भैया बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ से मैंने भी MBA किया है। मतलब वो MBA करके प्यून बन गया, जबकि MBA करके तो आदमी क्या बनता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बनता है ना, मैनेजर बनता है। तो ये बात है कि वो कॉमेडी है, आयरनी यहाँ पे। पीपल से दैट द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लोग कहा करते हैं, पीपल से दैट, लोग कहते हैं ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, कहा करते हैं आ जाए तो पीपल यूजेस टू से दैट द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। वह अपने सास ससुर के पैर छुआ करती थी, शी यूज़ टू टच द फीट ऑफ हर इन लॉस पेरेंट्स। ओके, इन लॉस पेरेंट्स मतलब होता है सास ससुर। अक्सर ऐसी उम्मीद की जाती है बहू से कि वो इस प्रकार के काम करें। ठीक है, मतलब ये है कि लोग चाहते हैं कि जो वाइफ है वो संस्कारवान भी रहे और मॉडर्न भी रहे, और दोनों मैनेज हो नहीं पाता। हम अपने गुरु का बहुत आदर किया करते थे, वी यूज़ टू रिस्पेक्ट अवर टीचर, आजकल के बच्चे भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अगला है
आई यूज टू बी ए डॉक्टर इन द पास्ट, मैं पहले डॉक्टर हुआ करता था। अब हो सकता है प्रैक्टिस छोड़ दी हो तो आदमी कह रहा मैं पहले डॉक्टर हुआ करता था, ठीक है। शी यूज टू मीट हिम सीक्रेटली, शी यूज टू मीट हिम सीक्रेटली, वह उससे चुपके चुपके मिला करती थी, वह उससे चुपके चुपके मिला करती थी। वाइल, वाइल प्लस आई एन जी, वाइल प्लस आई एन जी, जब भी हम दो काम एक साथ करते हैं तो वहाँ पे वाइल लगा देते हैं। एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा कि जाते जाते वह गिर पड़ा, तो उसने क्या किया, ऐसा कर दिया गो और उसमें स्क्वायर लगा दिया। तो हमने कहा क्यों भाई ये क्यों कर दिया तुमने, उसने कहा कि सर जाते जाते दो बार हो गया। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना बड़े आलसी टाइप के, वो दो बार ना लिख के कोई शब्द को एक बार लिख के उसमें पीछे दो बना देते हैं इस प्रकार से। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो बच गए, पता नहीं इतना समय बचा के वो क्या कर लेंगे। एक बच्चे ने तो ऐसा लिख दिया जाते जाते को गो गो ही फेल डाउन, जाते जाते वह गिर पड़ा। तो ऐसा नहीं करना, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने वाइल का प्रयोग किया है। वाइल टीचिंग, पढ़ाते पढ़ाते ही फेल डाउन, पढ़ाते पढ़ाते वह गिर पड़ा, ठीक है। वाइल गेजिंग सी स्लैप्ड मी, घूरते घूरते उसने मुझे चांटा जड़ दिया, मुझे नहीं मारा सेंटेंस है, ठीक है। वाइल प्लेइंग दे बिगन टू फाइट टू ईच अदर, खेलते खेलते वे एक दूसरे से लड़ने लगे, झगड़ने लगे। मैं एक चीज़ और बता दूं, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आती। दरअसल क्या है, मैं जो बनाता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा मोबाइल है और टैबलेट भी है, आप लोग छोटे मोबाइल में देखते हो तो स्क्रीन में छोटे अक्षर आते हैं, तो थोड़ा पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लिया करो और साथ ही आवाज़ भी कम ज़्यादा कर लिया करो आपकी सुविधा अनुसार, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, तो आज के लिए इतना काफ़ी है और हम कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।